गुमला में फिर नक्सली गतिविधि तेज हो गई है। 9 दिसंबर की रात गुमला के कुरुमगढ़ में जंगली इलाके में नक्सलियों द्वारा लगाया गया 3 लैंडमाइंस विस्फोट हो गया। मामले में किसी के हाथाहाथ की खबर अब तक सामने नहीं आई है। गुमला जिले के कई इलाकों में नक्सलियों की बढ़ती सक्रियता ने पुलिस प्रशासन की चैन उड़ा दी है। गुमला के चैनपुर के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के जंगल में माओवादी नक्सली और पुलिस के बीच 9 अक्टूबर को मुठभेड़ हुई थी। इससे पहले 26 नवंबर को गुमला में कुरुमगढ़ थाना के एक नए भवन को माओवादियों ने बम से उड़ा दिया था। लगातार इलाके में नक्सलियों की बढ़ती गतिविधि को लेकर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस भी लगातार जंगली इलाके में अभियान चला रही है ताकि नक्सली अपनी किसी गलत मंसूबे में कामयाब न हो सके। हालांकि कल रात हुए मामले को लेकर पदाधिकारी कुछ भी बोलने से एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट।